प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक क्रांति हुई उसके कौन कौन से कारण नहीं थे। इस संबंध में हम जानकारी लेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो समाज के अंदर धर्म के क्षेत्र में किन-किन बुराइयों का समावेश हो चुका था और इन बुराइयों को दूर करने के लिए वैदिक धर्म के अंदर जिस प्रकार से कर्मकांड और भाई आडंबर पद्धति का प्रचलन बहुत व्यापक रूप से हो चुका था, जनसाधारण की यह पहुंच से बाहर था, ऐसे समय में दो क्षत्रिय राजकुमारों के द्वारा अपने धर्म को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य किया गया। महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और मध्यम और सरल मार्ग पर चलने के लिए लोगों से आग्रह किया। जैन धर्म जो कि अति प्राचीन धर्म माना जाता है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के अंदर जो पांच महाव्रत हैं उनमें पांचवा जो महाव्रत जोड़ा ब्रह्मचर्य, और उसके पश्चात उन्होंने जैन धर्म की जो शिक्षाएं थीं उन शिक्षाओं को प्रचारित प्रसारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे जनसाधारण को अब एक सरल और सुगम मार्ग जो अपनाने के लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा जो रास्ता बताया गया, लोग उसकी ओर अत्यधिक आकर्षित हुए। लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां निहित थी जिसने बौद्ध धर्म के उदय और जैन धर्म को एक व्यापक प्रचार प्रसार करने का अवसर मिला, आज हम इसी संबंध में कुछ ऐसे जो कारण निहित थे उनकी जानकारी लेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक युगांतरकारी घटना जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय है। दोनों धर्मों का उदय दो तेजस्वी महापुरुषों क्रमशः महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध की व्यक्तिगत साधनाओं के सामाजिक संप्रेषण का परिणाम था। किंतु दोनों धर्मों को सहज लोकप्रियता मिली, इसका कारण भारत की तात्कालिक धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में ढूंढा जा सकता है। यह एक ऐतिहासिक संयोग है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय विश्व के इतिहास में बौद्धिक और धार्मिक उथल-पुथल का युग था। इस काल में ईरान में जरथुस्त, चीन में कन्फ्यूशियस तथा यूनान में परमाइंटस जैसे क्रांतिकारी चिंतक और सुधारक हुए। भारत में भी यह धार्मिक क्रांति का युग था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए परंपरा विरोधी माना परंपरा विरोधी धर्म माना जाता है। लेकिन उपनिषदों के चिंतन में एवं इन दोनों धर्मों के विचारों में बहुत सी समानताएं मिलती है। उपनिषदों में भी कर्मकांड एवं बाह्य आडंबर को निरर्थक मानते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी उपनिषद अज्ञान को दुख का मूल कारण मानते हैं एवं आत्मज्ञान को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य। यही विचार जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ही है। पुनर्जन्म एवं मुक्ति अर्थात मोक्ष के दर्शन से अनुप्राणित है एवं ये हिंदू धर्म के ही सुधरे हुए नवीन रूप हैं। इन्हें परंपरा विरोधी धर्म उचित मानना उचित नहीं है। इनका विरोध वैदिक एवं औपनिवेशिक धर्म की मूल परंपरा को आच्छादित एवं विकसित करने वाली तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में था, जिनकी पृष्ठभूमि में इन दोनों धर्मों का उदय एवं उत्थान क्रांतिकारी सा लगता है। वो कौन-कौन सी परिस्थितियां थी या वो कौन-कौन से कारण निहित थे जिनके कारण धार्मिक नवजागृति जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ। सबसे पहला कारण है धार्मिक पृष्ठभूमि।
वैदिक धर्म अपनी मूल पवित्रता इस समय खो चुका था। धर्म की सहजता एवं सरलता जटिल यज्ञों एवं विस्तृत कर्मकांडों के बोझ तले दब गई थी। तत्कालीन धार्मिक परिवेश तीन प्रकार की जटिलताओं से ग्रस्त था। ये जटिलताएं जो थी उनमें वेदवाद अर्थात एकमात्र वेद वाक्य में आस्था, वेदों को निर्विवाद एवं अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के प्रति दुराग्रह, यह अंधश्रद्धा का एक रूप था जिसमें स्व विवेक एवं बौद्धिक अन्वेषण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही थी। इसे वेदवाद की आलोचना करते हुए छांदोग्य उपनिषद में नारद एक स्थल पर कहते हैं, भगवान मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चतुर्थ अथर्ववेद को जानता हूं, किंतु ये सब जानकर भी हे भगवान मैं केवल मंत्रों को जानने वाला हूं, आत्मा को जानने वाला नहीं हूं। दूसरा था देववाद अर्थात मनुष्य स्वयं को देवताओं का कृपापात मानने लगा और कर्म के सिद्धांत से विमुख हो रहा था। डॉक्टर राजपल्ली पांडे का मानना है कि मनुष्य जब देवताओं का मित्र नहीं किंतु उसकी दया का भिखारी हो गया, वह अपना पुरुषार्थ, साहस, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व खो बैठा। मनुष्य की इस दीन दशा पर किस स्वाभिमानी चिंतनशील मानव को क्षोभ नहीं होता। तीसरा जो बताया गया है वो है यज्ञवाद अर्थात विशद जटिल एवं कर्मकांड पूर्ण यज्ञों का विधान, जिसमें धर्म को अत्यधिक आडंबर पूर्ण एवं दिखावे की वस्तु, अत्यधिक खर्चीला एवं अभिजात वर्ग जिसे कुलीन तंत्र भी कहते हैं कि संपत्ति बना दिया था। उत्तर वैदिक के साहित्य में अनेक जटिल एवं दीर्घकाल तक चलने वाले यज्ञों का उल्लेख देखने को मिलता है। कई यज्ञ तो 12 वर्ष तक चलते थे। यज्ञों के साथ अनेक प्रकार के तर्पण, होम और धार्मिक अनुष्ठान जुड़े हुए थे। यज्ञों के विविध संपादन की आवश्यकता ने एक शक्तिशाली पुरोहित वर्ग को जन्म दिया। यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाती थी और इस प्रकार से पशु हिंसा एवं पशु संप्रदा के विनाश के माध्यम बन गए थे। ऋग्वेदिक काल में यज्ञ बड़े सरल थे और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही यज्ञ करता था। उसमें न जटिलता थी, न हिंसा थी, न ही पुरोहितों की आवश्यकता थी। किंतु उत्तर वैदिक काल लीन यज्ञवाद एवं कर्मकांड ने जनमानस के लिए एक धर्म, एक भ्रांत, क्लिष्ट एवं अलभ्य सी वस्तु बना दिया और धर्म से उसका सीधा संपर्क टूट गया। इतना ही नहीं, चिंतनशील मनीषियों ने कर्मकांड की जटिलता का यहां विरोध किया और यज्ञों की यांत्रिकता के स्थान पर आत्मज्ञान के लिए मन शुद्धि को अधिक महत्व दिया, जिसका उदाहरण हमें मुंडक उपनिषद में देखने को मिलता है। मुंडक उपनिषदों में यज्ञों को टूटी नौकाओं के समान तथा उनके कर्मकांड को निरर्थक कहा गया है। इस प्रकार से 6 शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म की ये जो तीन जटिलताएं थी, वेदवाद, देववाद और यज्ञवाद, ने एक सरल एवं सर्वसुलभ धर्म की आवश्यकता को जन्म दिया। इसी धार्मिक पृष्ठभूमि में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उदय हुआ। कहने का अभिप्राय कि यज्ञों की जटिलता ने एक ऐसी परिस्थिति को यहाँ जन्म दिया और उसी परिस्थिति का ही परिणाम था कि 6 शताब्दी ईसा पूर्व में जो जैन धर्म था और बौद्ध धर्म था, इसका जो प्रचार प्रसार बड़े व्यापक तरीके से हुआ, क्योंकि लोगों के समझ में
महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सिद्धांत, जो बातें कही गई, जो कि सरल भाषा में थी, वो समझ में आने लगी। महावीर स्वामी का जो संदेश था वो लोगों को समझ में आने लगा, और धीरे धीरे लोग यज्ञवाद से हटकर के नहीं, इनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। ये थी धार्मिक पृष्ठभूमि की बात। अब हम बात करें कि सामाजिक पृष्ठभूमि इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मूलतः गुण कर्म के विभाजन पर आधारित आदर्श वर्ण व्यवस्था छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते दृढ़ता एवं जटिलता के कारण कुछ अव्यवहारिक हो गई, जैसा कि कुछ इतिहासकारों का मानना है। खान पान और शादी विवाह पर कठोर प्रतिबंध थे, जाति परिवर्तन करना संभव नहीं था। नए कारणों से उत्पन्न बहुत सी जातियों की गणना शूद्र वर्ग में कर दी गई। शूद्रों की तत्कालीन हीन अवस्था का उल्लेख त्रिपिटक में अनेक स्थानों पर मिलता है। दूसरी ओर ब्राह्मणों, विशेषकर पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व के प्रति भी असंतोष उत्पन्न हो रहा था। बौद्ध तथा जैन धर्म ने जाति के आधार पर असमानताओं को अस्वीकार किया। डॉक्टर रोमिला थापर का मानना है कि यद्यपि बौद्ध मत और जैन मत ने वर्ण व्यवस्था पर कभी प्रत्यक्ष प्रहार नहीं किया, फिर भी वे उसके विरोधी थे और इस दृष्टि से उन्हें वर्ण निरपेक्ष आंदोलन कहा जा सकता है। इससे निम्न वर्ण वालों को इस वर्ण निरपेक्ष संप्रदाय में सम्मिलित होकर अपने वर्ण से उभरने का अवसर मिल गया। ब्राह्मण पूजा के मुकाबले इन मतों में पूजा पाठ के लिए धन का व्यय नहीं करना होता था, इसलिए समाज के उत्पीड़न वर्ग इसकी ओर अधिक आकर्षित हुए। कहने का मतलब, जो जनमानस उस समय था, जो कि यज्ञवाद की बढ़ती हुई खर्चीली प्रवृत्ति से त्रस्त था, अब वो एक सरल मार्ग की ओर आकर्षित हुआ। सामाजिक पृष्ठभूमि के बाद में हम इसकी आर्थिक पृष्ठभूमि पर भी नजर डालें तो कुछ विद्वानों का मानना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय की पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज की परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था और उससे उत्पन्न नवोदित स्थितियों की भूमिका को भी उल्लेखनीय माना जा सकता है। अर्थात छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों का विकास हो रहा था और व्यापार में वृद्धि हो रही थी। इस प्रक्रिया में वैश्य वर्ग समृद्ध हुआ और अपनी नवोर्जित धनराशि के बलबूते पर ब्राह्मणों की भांति सामाजिक श्रेष्ठता का आकांक्षी हो गया। तत्कालीन वैदिक धर्म में वैश्य वर्ग को ब्राह्मणों के समकक्ष स्थान मिलने की उम्मीद कम थी, अतः वह ऐसे धर्म की खोज में था जिससे ब्राह्मणों को उससे उच्चतर स्थान नहीं दिया जाए, बौद्ध जिसमें ब्राह्मणों को उससे उच्चतर स्थान नहीं दिया जाए। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ने उसी इस आकांक्षा को साकार किया, उसकी इसी आकांक्षा को यहाँ साकार किया। डॉक्टर था रोमिला थापर का मानना है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी तक की अवधि में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई, जिसका कारण विशेष रूप से व्यापार का विस्तार था। राजनीतिक सत्ता, यद्यपि आज भी हम देखें तो अधिकांशतः क्षत्रिय तथा ब्राह्मण वर्गों के हाथ में है रही है। आर्थिक दृष्टि से वणिक वर्ग उत्तनशील था। बौद्ध मत और जैन मत उसके लिए ब्राह्मणवाद के विकल्प थे। तो ये आर्थिक पृष्ठभूमि जो रही वो भी इन संप्रदायों या इन धर्मों के लिए उपयुक्त साबित हुई उनके प्रचार प्रसार के लिए। चौथा कारण जो यहां बताया गया है वो है वैचारिक पृष्ठभूमि। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के परिदृश्य पर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उदय
किसी वैचारिक क्रांति का आकस्मिक उल्कापात नहीं था। इन दोनों धर्मों के उदय की पृष्ठभूमि में पूर्ववर्ती अनेक ऐसे विचारक हुए जिन्होंने तत्कालीन धार्मिक जीवन की जटिलताओं, आडंबरों की आलोचना की और नवीन धार्मिक विचारों को प्रस्तुत किया। शुंग उपनिषदों ने यज्ञवाद, देववाद, कर्मकांड का विरोध किया और सद असद के नीर क्षीर विवेक के आधार पर आत्मज्ञान के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने का आडंबर रहित आदर्श प्रस्तुत किया। लेकिन उपनिषदों के विचार अपनी दार्शनिक निर्गुणता के कारण जनमानस में लोकप्रिय नहीं हो पाए। अर्थात उपनिषदों ने कर्मकांड और यज्ञवाद का जो विरोध किया, उनकी जो शैली थी वो जनमानस तक नहीं पहुंच, लिखने की जो उनकी शैली थी वो जनमानस तक नहीं पहुंच पाई थी। इसी कारण से हम यह देखते हैं कि उनमें लिखा गया जो बहुत सा ज्ञान था, उससे जनमानस आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी।